Ladies and gentlemen, this is just to inform you all that we are live right now. So here we go with the second booking. Check. So first of all, thanks for your patience and being here. Thanks, Salman, for important day for you. Tube Light got released today, and still you've taken the time out for being here. कोई समझदार सवाल इसके ऊपर कौन पूछेगा समझदार सवाल कोई हाँ हेलो एम आई ऑडिबल क्या ये हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं किसी काउंटर पे जाके तो हाँ काउंटर के ऊपर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं नो कैश ओनली क्रेडिट कार्ड वैसे कैश है क्या आपके पास हाँ ये लो हाँ I have it but not now it's in the car निकल रहा अभी खा भी नहीं सकता धागा सलमान आपने जो भी बात की जाना शुरू हो जाएगा so I'll tell you what this is हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे वैसे भी लोग मुझसे हमेशा पूछा करते थे कि यार ये हम बीइंग ह्यूमन को डोनेट कैसे करें तो मेरा ये हमेशा से जवाब हुआ करता था कि यार घर से बाहर निकलो देखो जिसको ज़रूरत है उसको मत देना उसके तालीम की तरफ देना उसके हेल्थ की तरफ देना लेकिन हॉस्पिटल को देना डॉक्टर को देना और स्कूल को देना या कॉलेज को देना सो दैट वॉज माई थिंग ऑफ यू डोंट हैव टू गिव मी मनी to do being human work. You need to do it on your own. Jaise ki ye mera charitable trust hai, ye aapka bhi hai. So that used to be my answer earlier. Ab, itne logon ne sawal pucha hai, to jaise ki abhi hal Bijli sahab ne ye kaha ki 2 rupaye. Ab ticket prices kya hai aajkal? Jab hum dekha karte the, us waqt to 5 rupaye hua karta tha, 5.5 रुपए हुआ करता था स्टॉल का और 10 रुपए हुआ करता था बैल्कनी का करेक्ट तो 5.5 रुपए में 2 रुपए बहुत भारी पड़ते थे 10 रुपए में 2 रुपए 12 रुपए भारी पड़ते हैं लेकिन अगर अब 250 रुपए की टिकट है या 450 रुपए की टिकट या 950 रुपए की टिकट है तो सिर्फ 2 रुपए मतलब के 252 हो जाता है 452 हो जाता है 652 हो जाता है 952 हो जाता है सो ये 2 रुपए लेकिन जब 8 करोड़ लोग आएंगे इस साल हर साल 8.5 करोड़ लोग आते हैं पीवीआर में फिल्में देखने के लिए अच्छा ये सिर्फ मेरी फिल्मों पे नहीं है ये सब फिल्मों पे हैं अब जैसे कि अजय की फिल्म आएगी आमिर की फिल्म आएगी शाहरुख की फिल्म आएगी अकी की आएगी जिसकी भी फिल्म आएगी उसके ऊपर 2 रुपये गॉट इट अगर 8 करोड़ आते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से बीइंग ह्यूमन को कितना मिलता है 16 करोड़ अब 16 करोड़ मैं नहीं दे रहा भाई हाँ कौन दे रहा है आप दे रहे हैं और आप कितना दे रहे हो सिर्फ 2 रुपए और वो कितना हो जाता है वो 16 करोड़ हो जाता है अब 16 करोड़ के अंदर यू कैन डू वंडर्स कितने हार्ट ऑपरेशंस कितने कैंसर कितने कैटरैक्स कितने क्रेनोफेशियल्स कितने कॉक्युलर इम्प्लांट्स कितने बाह वो जो ब्लॉक बाह एक और चीज़ होती है यू नो पीपल हु कैन नॉट हियर यू नो कैन नॉट स्पीक सो दे पुट समथिंग इन योर हेड एंड यू कैन हियर एंड देन बिकॉज ऑफ दैट यू कैन स्पीक एज वेल तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं 16 करोड़ में जो कि इवेंचुअली कुछ सालों के बाद 1600 करोड़ भी हो सकते हैं तो ये है एंड सिंस इट्स ट्रांसपेरेंट ऑफिशियल है मेरा एक ही ये था कि जब लोग 2 रुपए देंगे तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपका चॉइस है आपको देना है 2 नहीं देना है नहीं 2 क्योंकि 2 रुपए भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं क्योंकि अगर लोग से फैमिली में आ रहे हैं तो अगर वो 250 रुपए की टिकट में आ रहे हैं तो अगर 10 लोग आ रहे हैं तो कितना होता है नहीं नहीं ओवरऑल
हाँ 250 ओह तो फिर 10 का कितना होता है 20 रुपये महंगा पड़ेगा वो 250 रुपये 2500 ठीक है लेकिन 2500 20 वो 20 भारी पड़ेगा ना नहीं पड़ेगा अच्छा मुझे देखना है कि भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है अभी तो शुरुआत है तो ये फैलाना तो ये सब फैलाओ तो ये है ये करने के लिए आए हैं अच्छा बाकी हमने दूसरी जगह इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पीवीआर से टाई अप किया है हमने और अकाउंटेबिलिटी यहाँ से हमको 100% बैंग ऑन मिलेगी तो जितना यहाँ से आएगा उतना जाएगा बींग ह्यूमन में और बींग ह्यूमन से आपको पता चल जाएगा कि इतने आए इतने यहाँ पे गए इतने यहाँ पे गए इतने यहाँ पे गए हमने कुछ नहीं किया है वो जिसने 2 रुपये दिया है एक्स्ट्रा उसने एक पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की है अगर वो 2 रुपये नहीं देता तो जैसे कि अगर एक हार्ट सर्जरी कॉस्ट अबाउट 2 लाख रुपीज़ अगर वो 2 रुपये कम पड़ते तो उसका हार्ट सर्जरी नहीं होता तो ही हैज़ इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 1 kid's लाइफ एंड देन सिमिलरली एजुकेशन एंड कैंसर एंड जो सो ऑन एंड सो फोर्थ सलमान एक और सवाल पूछना था सॉरी आप ही पूछोगी सब सवाल मैं आए सलमान आई एम सॉरी फॉर मिस इनफॉर्म पर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है किसी को ज़रूरत है तो उसका क्या प्रोसीजर है आपको कैसे अप्रोच करें बीइंग ह्यूमन को तो देखो हमारे पास बीइंग ह्यूमन में ऑफिस नहीं है क्योंकि ऑफिस के लिए पैसे लगते हैं तो हमारे एक डॉक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर संदीप है वो मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे पता नहीं वो डॉक्टर कैसे बन गए क्योंकि मुझे उनके ग्रेड से वाकिफ हूँ वो हमारे क्रिकेट टीम में भी थे CCL के फर्स्ट जो मैचेस हुए थे एज अ फिजियो जबकि वो गायनेक थे सो ही इज़ हैंडलिंग विथ माई फादर रस्ते के भारी मतलब के बैंड स्टैंड पे ही चेक्स ऑल द पेशेंट्स कुछ फर्जी आ जाते हैं उनको भगाया जाता है फिर कोई शादी के लिए आ जाते हैं वहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर सकते हम लोग तो जितने भी जेन्युइन केसेस हैं माय फादर एंड डॉक्टर संदीप हैंडल दैट एंड देन देयर इज लोरेटा देयर इज संध्या सो वी टाइड अप विद फोर्टिस सो वी टाइड अप लॉट ऑफ पीपल सो लॉट ऑफ अदर चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो सेंड देयर पीपल टू अस एंड देन वी ऑल्सो सेंड अ लॉट ऑफ आर पीपल हु कम टू अस टू यू नो द अदर चैरिटेबल ट्रस्ट सो कॉन्ट्रीब्यूट करके होता है ये नहीं कि किसी को एक बीमारी है और हमने पूरे पैसे दे दिए सो इट्स ऑलवेज एन अमाउंट एंड देन वी सेंड देम टू 4 or 5 डिफरेंट चैरिटेबल ट्रस्ट यू नो हु गेट दैट अमाउंट एंड सेंड इट टू द हॉस्पिटल और टू द डॉक्टर्स हुएवर इज ट्रीटिंग देम तो ये सिस्टम है इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और इसको इतना प्रमोट नहीं करते हम लोग और इसलिए यहाँ पर ये सब टाई अप्स चल रहे हैं जैसे कि क्लोदिंग का ताकि वहाँ से कुछ पैसे आए चैरिटेबल ट्रस्ट में आए ज्वेलरी से नाइस जैसे कि ज्वेलरी से जो पैसे आते हैं टैक्स भर के डायरेक्ट अब ई साइकिल शुरू हो गई हैं सब बिक गई हैं हाँ मेरी भी मैं बेच सोच रहा हूँ कि बेच दूँ मैं तो वो है फिर इसके बाद जो जो आगे स्टार्ट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा सो इनका जितना भी धन आता है वो सब जाता है टैक्स पे करने के बाद बीइंग ह्यूमन में क्योंकि एक बार मांग लो दो बार मांग लो तीसरी बार बोलना चल बहुत मांग लिया हमसे तो वो नहीं चाहिए हमको तो हम हमारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आई थिंक द वर्स्ट बिजनेस मॉडल होगा कि जो कि सक्सेसफुल है क्लोथिंग सक्सेसफुल है ज्वेलरी भी ठीक चल रही है अच्छी चल रही है अब ये साइकिल्स भी अच्छे चल गए अब उसके पैसे हमारे पास नहीं आ रहे
ये हार्वर्ड वार्वर्ड के अंदर ये बिजनेस मॉडल देना पड़ेगा हमको. तो ये है सिस्टम. यस मैम. मेरे को तो ये कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता. नहीं, ये वाला नहीं. अभी 90s में 2000 में कभी हाँ जाते थे काउंटर पे और खुद टिकट लिया करते थे. मिस्टर बिजली, आपसे भी सवाल है मेरा कि एक तो बधाई इस तरीके का थिएटर बनाने के लिए जिसमें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जा सकती हैं. मैं आइकन का बहुत बड़ा सदस्य भी हूँ, अक्सर जाता हूँ. किस तरीके से PVR इन चीज़ों को और बढ़ावा देने वाला है? किस तरीके से यहाँ जो आमदनी होगी उसे आप और अच्छे तरीके से आगे पहुँचाने वाले? आप बीइंग ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि? जी जी, बीइंग ह्यूमन तक ये अभी तो शुरुआत करी है. सो एवरी मंथ वील ट्रैक के कितने लोग वॉलंटरली यू नो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, होपफुली लाइक सलमान सेड के इट्स ओनली 2 rupees एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स वॉलेंट्री, देन आई थिंक वी कैन टेक दिस एसोसिएशन इवन फर्दर. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर एडिंग अबाउट 75 to 100 स्क्रीन्स अ ईयर. सो ऑब्वियसली इट विल गेट एक्सटेंडेड एवरीवेयर. एंड अभी एक साल का है एंड विल आई मीन आई एम हैप्पी टू टेक इट फॉर एवर. देर इज़ नो प्रॉब्लम. इट्स अ ग्रेट कॉज. इज गोइंग इन द राइट प्लेस. सो दैट्स वॉट विल डू. खान साहब, ये आइडिया किसका था ज़रा इसका भी थोड़ा? एक बार पहले भी हमने ट्राई किया था जी, वो चला नहीं. वो एक ब्रांड के साथ किया था, वो ब्रांड भी चला नहीं. तो सलमान, ट्यूबलाइट आज रिलीज हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच. ब्रांड एम्बेसडर से भी गया मैं. और वो पर ट्रांजैक्शन 1 rupee था. तो उनके थे कुछ जब एंटर किया तो कुछ थे उनके 80,000 या लाख ट्रांजैक्शंस. फिर पता नहीं क्या हो गया, वो चले गए 40,000 rupees. होनी तो चाहिए टैक्स फ्री. हर पिक्चर जो कि अच्छी पिक्चर है टैक्स फ्री हो जानी चाहिए. लेकिन अगर हर पिक्चर टैक्स फ्री हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को कहाँ से एंटरटेनमेंट टैक्स मिलेगा? गवर्नमेंट को भी तो पैसे चाहिए ना. हमको भी तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए. तो टैक्सेस अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए. द क्रिटिक्स वर लाइक रियली गुड. या आई वॉज एक्सपेक्टिंग -3 and -4. दे हैव गिवन 1.5 अपेरेंटली. या so I'm very pleased with that. Reports bhai ko rota hua nahi dekh sakte. And to aise kya rote hue dekh ke has rahe hain? Kisi nahi, sab ro rahe hain. To aise don't worry about this then. So what happens in a film like this, Eid release hai, so wo jo ek aate raha hai, you know, एक के चिल्लर फेंकेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वो कोई और फिल्म देखने को गए और उनको कोई और फिल्म देखने को मिल गई है. सो नाउ दिस फिल्म नीड्स टू बी सीन नॉट विथ लॉन्डे लपाड़ेस, नॉट विथ बडीज, यू नो कि आओ चलो उधम मचाते हैं, क्योंकि वो उधम मचा नहीं पाएंगे इस फिल्म के अंदर. इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. वो कितना भी सख्त कठोर दिल का आदमी होगा, यू नो इमोशनलेस होगा या दिखाता नहीं होगा, वो इस पिक्चर में उसकी आंख तो भरी आएगी. सो दैट दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फिल्म दैट यू नीड टू टेक योर फैमिलीज, यू नो योर पेरेंट्स, दादा दादी, अब्बू अम्मी, मम्मी डैडी, माता पिता, नाना नानी, ऑल ऑफ दीज, मतलब के दे नीड टू गो इन द 25 का लॉट, क्योंकि वो 20 rupees हमारे पास आ जाएंगे. Sir, just adding to that, not only the critics, we have been to the theaters across the city this morning and we, the audiences are giving a mixed review for Tubelight. Yes, yes. Perhaps they were expecting the Bajrangi Bhaijaan magic. They were expecting a different film. That's why I said, expecting a different kind of film. But if you, I've got so many text messages and so many people have told me that, you know, when we saw you brothers dancing, you know, we had tears on the song. तो ऐसे इसमें रोने की क्या बात है भाई? दो भाई नाच रहे हैं, हैप्पी गाना है वो. What is that song? नाच मेरी जान. Then they say, you know, that shot when, you know, your brother Sohail is going and you hug him and cry in that Tinka Tinka song. You know, we got emotional. So we had prepared the audience for a beautiful, simple, emotional film about bhais, about brothers, you know. That is what we prepared them but for. But since we are talking about the mixed reviews and the audience... Every film will have so mixed reviews. So is there a sense of failure that might just bother... What? Is there a sense of failure that might just bother? Are you scared of it or something? What?
To an extent. Does it like look bothered? All right, thank you. I'm not bothered. I'm sure it's going to do okay. It's going to get us a lot of respect. So this is basically just a place, an honest place, to put your 2 rupees and know that your 2 rupees is coming to me and know that those 2 rupees is going back into the country. It's just a channel. It's just a route. Bhai, do malik, 2 rupees de do. 2 rupees de do. Maine to start kiya tha 1 rupee se. 1 rupee se start kiya tha. इन्होंने बोला कि दो. ऐसे इनका तो कोई जाता नहीं ना हमारा जाता है पब्लिक का जाते हैं सर एक तो दे देंगे तो दो मांग लो भाई. सो वी हैड एक्चुअली स्टार्ट आउट विद यू नो 10 रुपीज बट आई सेड 10 रुपीज इज टू मच. दैट 2 रुपीज तक यू नो आई थिंक इट्स ओके बिकॉज देन द नंबर बिकम्स वेरी लार्ज. अगर 8 करोड़ लोग आते हैं साल के तो हमको 16 करोड़ मिल जाते हैं इसके अंदर. सो आई विल नीड टू आंसर दिस वन. प्लीज स्टिक टू द I think Sunil Grover is a very program talented that we man. Are all are here for. So I've even said this somewhere that when Sohail and me were watching him, I thought I was the most incompetent actor there was. The way he played that Mr. Bachchan's role and the way he played that doctor, I think it was phenomenal. And then he's played Gutti. So he doesn't try and do comedy, he just plays character. You know, he's the only one, you know, comedian who's not trying to do comedy. He's just playing characters and he's making you laugh. And he's serious. He's not laughing. He's not joking. He's just playing one character. And even when you see, you know, Sunil as well, he doesn't look like a comedian. You know, people have very funny faces and they're sweet and they're cute and you know they make you laugh. This guy is a serious-looking guy. Yeah. अब मुझे नहीं लगता कि माल्टा के अंदर कोई सर आपका है कोई PVR माल्टा के अंदर माल्टा के अंदर हाँ. तो I hope जब तक कि ये film theatre में रहे, नहीं तो फिर उनको trial दिखानी पड़ेगी.